अमरोहा जनपद में भी मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश जारी। सार्वजनिक जगहों पर हो रहे हैं पोस्टर चस्पा। उत्तर प्रदेश पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की अमरोहा में भी तलाश तेज हो गई है। जनपद के अधीक्षक के आदेश पर टोल प्लाजा से लेकर हाईवे से गुजरने वाली बसों पर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास पर शासन ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल कानपुर जिले के बिकरू गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे से मुठभेड़ में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसमें से आगरा जिले के पोखर पांडे गांव निवासी सिपाही बबलू कुमार और माथुर जिले के जितेंद्र पाल भी थे। अमरोहा में चप्पे चप्पे पर पुलिस कुख्यात बदमाश के पोस्टर लगवा रही है। साथ ही जनपद की सीमाओं पर भी अलर्ट किया गया है। जिले में सभी जगह पर पुलिस को सतर्क किया गया है। शहर के सभी थानों, प्रमुख बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर विकास के पोस्टर चस्पा कराए गए हैं। पोस्टर में अपील की गई है कि पुलिस के नंबर पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो वहीं नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कुख्यात अपराधी के पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक वो कानपुर से भागकर हाईवे से इधर आ सकता है, इसलिए उसके पोस्टर टोल प्लाजा पर लगवाए गए हैं। हाईवे पर तैनात पुलिस को सतर्क रहने का कहा गया है। देश में नेशनल हाईवे पर स्थित टोल पर और अन्य जगहों पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोग और जो टोल कर्मी हैं वो इस व्यक्ति की पहचान कर सकें, और यदि कहीं ये नजर आता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें, जिससे कि इस व्यक्ति की कुख्यात अपराधी गिरफ्तारी में मदद हो सके। इसीलिए पोस्टर चस्पा किए गए हैं।